इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके पास अजीब से शौक होते हैं, और इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन शौक को अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन शौक के द्वारा पैसे भी कमाते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसको बिच्छू पालने का शौक है और वह बिच्छू के 1 ग्राम जौहर को 7 लाख रुपये में बेचता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है, वो कहाँ का है और वह बिच्छू का जौहर इतना महंगा क्यों बेचता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। शो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। ऐसे में आप सोच रहे होंगे वह व्यक्ति कौन है, तो आपको बता दे वह व्यक्ति मिस्र का रहने वाला है और जिसका नाम मोहम्मद हामदी बोसदा है और इनकी उम्र मात्र अभी 25 साल है। और मिस्र के रहने वाले मोहम्मद हामदी बिच्छू का जहर बेचते हैं और ये अजीब गरीब शौक एक दिन उन्हें इतना अमीर बना देगा, यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और 1 ग्राम जहर के बदले उन्हें करीब 7 लाख रुपये मिलते हैं। आपके मन में यह सवाल हो रहा होगा, आखिर यह जौहर किस काम आता है? तो आपको बता दें, मिस्र के रेगिस्तानी और तटीय इलाकों से बिच्छू पकड़ने के शौक के चलते कुछ साल पहले ही मोहम्मद हामदी ने आर्कियोलॉजी में डिग्री की पढ़ाई छोड़ दी थी और वह और उसके बाद से बिच्छुओं का जहर निकालने का काम करने लगे। आपको बता दें, इस जहर का काम दवा बनाने में किया जाता है। बड़ी कंपनी के मालिक हैं ये। महज 25 साल की उम्र में मोहम्मद हामदी कायरो वेनोम कंपनी के मालिक बन गए हैं और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ अलग अलग प्रजाति के 80,000 से ज़्यादा बिच्छू और सांप रखे जाते हैं। इन सांप और बिच्छुओं को जहर निकालकर दवा बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं इनका जहर आखिर कैसे निकाला जाता है। तो इन बिच्छुओं का जहर अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से पकड़ करके बिच्छुओं का जहर निकालने के लिए हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगते ही बिच्छुओं का जहर बाहर आ जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। कितने काम का है 1 ग्राम का यह जहर? एक रिपोर्ट के मुताबिक बिच्छू के 1 ग्राम जहर से करीब 20,000 से 50,000 तक एंटीवेनम विषरोधक डोज बनाए जा सकते हैं। एंटीवेनम ड्रग तैयार करते वक्त बिच्छू के जहर की क्वांटिटी में बड़ी सावधानी बरती जाती है। कहां होती है जहर की सप्लाई? आपको बता दें, मोहम्मद हामदी बोसदा बिच्छुओं का ये जहर यूरोप और अमेरिका में सप्लाई करते हैं, जहाँ इनका इस्तेमाल एंटीवेनम डोज और हाइपरटेंशन जैसी तमाम बीमारियों की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। बिच्छू का 1 ग्राम जहर बेचने पर उन्हें $10,000 यानी करीब 7 लाख रुपये मिलते हैं। क्यों महंगे होते हैं एंटीवेनम ड्रग्स? आपको बता दें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल लगभग 80,000 लोगों की जहरीले सांप या बिच्छू काटने से मौत हो जाती है। इन जहरीले जीवों द्वारा काटे जाने पर इंसान को तुरंत इलाज की जरूरत होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश एंटीवेनम ड्रग का बाजार बहुत छोटा है और इसी वजह से इन दवाओं के दाम इतने महंगे होते हैं। क्या आपको पता है जहरीले डंक से मौत कैसे होती है? आपको बता दें, जहरीले जीवों का जहर इंसान की बॉडी में मौजूद टिश्यू को तेजी से डैमेज करता है। इसमें हेमरेज या रेस्पिरेटरी अरेस्ट की दिक्कत बढ़ जाती है। ये जहर इतने दर्दनाक और खतरनाक होते हैं कि पल भर में इंसान की मौत होती है। तो इन जहरीले जीवों को काटने का एंटीवेनम इस बिच्छू के जहर से तैयार किया जाता है, इसलिए बिच्छुओं का जहर इतना महंगा होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। धन्यवाद।